हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि यदि किसी मुजरिम का बेल हुआ है, बेल बॉन्ड जमा हुआ है और बेल बॉन्ड होने के बाद वो मुजरिम जेल से बाहर आ जाता है, सामान्य नागरिक की तरह वह जीवन व्यतीत करने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी खुद की गलती के कारण उसका बेल रिजेक्ट हो जाता है, बॉन्ड भी रिजेक्ट हो जाता है, दोनों को ही कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि कोर्ट को सीआरपीसी के सेक्शन 444 के तहत यानी 444 के तहत अधिकार है कि बेल देते समय जो जो टर्म एंड कंडीशन बताया गया था, ऑर्डर में लिखवाया गया था, उस कंडीशन को यदि मुजरिम के द्वारा, एक्यूज के द्वारा फॉलो नहीं किया जाता है तो बेल और बॉन्ड दोनों को वो कैंसिल कर सकता है। इसी प्रकार से यदि किसी मुजरिम के द्वारा उस कंडीशन को फॉलो नहीं किया जाता है, उस स्थिति में उसके बेल और बॉन्ड को कैंसिल कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में एक्यूज्ड को क्या करना चाहिए, बेल और बॉन्ड को निरस्त कब किया जाता है, कैंसिल कब किया जाता है, और यदि कैंसिल कर दिया गया तो उस स्थिति में एक्यूज्ड को क्या करना चाहिए, इन दोनों ही टॉपिक पे एक एक करके बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद उनके वकील साहब के द्वारा बेल अप्लीकेशन कोर्ट में फाइल किया जाता है, बेल ग्रांट होता है यदि, तो उसको बेल बॉन्ड भरने की ज़रूरत पड़ती है, बेल बॉन्ड भर दिया जाता है, फिर उसको रिलीज वारंट निकलता है, रिलीजिंग ऑर्डर निकलता है और उसको जेल से रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन बेल देते समय जज साहब के द्वारा कुछ कंडीशन दिया जाता है, जैसे कि वो शहर से बाहर नहीं जाएंगे, वो कभी कभी रहता है कि अपने देश से बाहर नहीं जाएंगे और हर पेशी पे, हर डेट पे उनको कोर्ट में आना है। यदि किसी कारणवश मुजरिम के द्वारा डेट पे नहीं आया जाता है कोर्ट में, तो 1, 2, 3, 4 डेट तक जज साहब उसको माफ़ करते हैं, क्योंकि एग्जम्पशन का एप्लीकेशन जो है कुछ डेट तक लगाता है उनके वकील साहब के द्वारा और वह उसको कंसीडर कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। लेकिन यदि मुजरिम का यही रवैया रहा कि वो 5, 6, 7 डेट तक नहीं आते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, कोर्ट के द्वारा उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया जाता है। अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद पुलिस ऑफिसर के द्वारा उनके पास जाया जाता है। यदि पुलिस ऑफिसर सीधा उनको बोल देते हैं कि आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट हुआ है, तो ठीक है, वो कोर्ट में आए और अपना पुनः बेल कराएं। यदि ऐसा नहीं किया जाता, उसको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करके पुलिस ऑफिसर के द्वारा थाने ले जाकर पुनः 24 घंटे के अंदर उनको कोर्ट में पेश किया जाता है, तो उनको उस समय बेल कराने की उस समय भी ज़रूरत पड़ती है। यानी ही दोनों कंडीशन में बेल कराने की ज़रूरत पड़ती है, उनको गिरफ्तार करे तो पर भी, ना करे तो पर भी। कहने का मतलब ये है कि एक बार यदि आपने गलती करा, आपका बेल कैंसिल हो गया, बॉन्ड कैंसिल हो गया, तो आपको पुनः बेल कराने की भी ज़रूरत पड़ेगी और नया जमानती को भी ले जाने की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि वो जमानती नहीं चलेगा जो पहले जमानती आपने दिया है, क्योंकि वो बॉन्ड कैंसिल हो गया है। तो इस प्रकार से एक मजिस्ट्रेट को, जज साहब को सीआरपीसी की सेक्शन 444 के तहत यह अधिकार है कि आपको बेल देते समय जो कंडीशन ऑर्डर में लिखाया गया, उस कंडीशन को यदि आप फुलफिल नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तो आपका बेल और बॉन्ड दोनों कैंसिल हो सकता है और कैंसिल होने के बाद आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आपको यदि किसी भी प्रकार से आपको सूचना मिलती है, तो आप सबसे पहले अपने वकील साहब से संपर्क करें और वकील साहब के द्वारा बेल अप्लीकेशन यानी प्रार्थना जो है, जमानती का प्रार्थना पत्र, वो कोर्ट में बोलें दाखिल करने के लिए। कोर्ट में वो दाखिल करेंगे, फिर कोर्ट में दायर करने के बाद जज साहब बोलेंगे उसको जमानती नया लाने के लिए, एक जमानती को भी ले जाएं और उस प्रकार, इस प्रकार से जमानती जब जाता है तो फिर पुनः आपको बेल दे दिया जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप यदि एक्यूज्ड हैं और आपको बेल ग्रांट किया जाता है, तो आपको ये गलती दोहराना ही नहीं चाहिए। जब कभी आपको बेल मिलता है और उसमें जो कंडीशन लिखाया जाता है, उस कंडीशन को आपको फॉलो करना चाहिए, उस कंडीशन
को आपको समझना चाहिए, आपको उस पर विचार करना चाहिए, आपको हर डेट पे कोर्ट में पेशी होना चाहिए, जो कंडीशन लिखाया गया उसको फॉलो करना चाहिए। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। आपको किसी भी प्रकार का कोई कानूनी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए सबसे पहले आपको कॉल बुक करना पड़ेगा जो कि पेड सर्विस होगा, या फिर मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।